लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचंद्राय नमः। भगवान श्रीराम जो देवाधिदेव महादेव के भी आराध्य हैं, भगवान राम नाम के आदि आचार्य भगवान भोलेनाथ हैं और आज उन्हीं भगवान श्री राम चंद्र जी का मंदिर निर्माण का शिलान्यास अयोध्या में होने जा रहा है। यह हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है। हिंदुस्तान के रहने वाले प्रत्येक वो लोग जो भगवान राम के लिए आस्था रखते हैं, और हम सब यह भी जानते हैं लंबे काल से एक हिंदुओं की आस्था भगवान राम के प्रति रही है। सब एक बात को बार बार कहते रहे, जो नहीं श्री राम का वो नहीं किसी काम का। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और आज भगवान श्री राम के मंदिर का नवनिर्माण का शिलान्यास अयोध्या में होने जा रहा है। अयोध्या धाम जो भगवान राम की पावन धरा है, जन्मभूमि है, और ऐसे भगवान राम की पावन धरा जन्मभूमि पर हम सब आज बड़े गौरवान्वित हो रहे हैं कि भगवान राम का मंदिर वहां बनने जा रहा है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, सत्ता आती रहती है और जाती रहती है। आज यह यश भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त हो रहा है कि अयोध्या में बनने वाला राम मंदिर केवल एक मंदिर ही नहीं होगा, बल्कि इस भारत के नवनिर्माण की बात होगी। इस भारत के आध्यात्मिक परिदृश्य में हम एकाद विश्व में गौरव हासिल कर सकेंगे। भारत देश के मेरे उन धर्म प्रेमी बंधुओं और भागवत प्रवाह आध्यात्मिक मार्ग में जुड़े हुए मेरे सभी बंधु बांधवों से मैं एक ही आग्रह करूंगा कि आज वे दीपावली जैसा उत्सव अपने घरों में मनाएं, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का सार्वजनिक रूप से पाठ करें और सायं दीपदान करते हुए भगवान श्री राम की आरती उतारें, तो निश्चित ही हम सब गौरवान्वित होंगे। भारत एक इतिहास रचेगा अध्यात्म के क्षेत्र में, और विश्व की दृष्टि आज पूरे भारत पर पड़ेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मंगल कामनाएं। भगवान राम के मंदिर निर्माण होने के पावन अवसर पर आप सभी को, देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय जय श्री राम।